मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 40 न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैसूर तक पहुंची बंदर बुखार। 1957 में पहली बार कर्नाटक के कैसनोर जंगल से बंदरों से फैली इस बीमारी का नाम कैसनोर फॉरेस्ट डिसीज है, जिसमें इंसान बुखार में मुब्तला हो जाता है। इस बीमारी की दवा का ईजाद अभी तक नहीं हो पाया है। पिछले दिनों शिमोगा के अरलगुड़ ग्राम के करीब 8 लोग इस बीमारी का शिकार होकर हलाक हुए। कई लोग मणिपाल अस्पताल में जेरे इलाज हैं। अब खबर है कि मैसूर जिला HD कोटे तालुका के तमन होसड़ी हादी ग्राम के सुरेश को इस बीमारी के कारण केरला के अस्पताल में भर्ती किया गया है। भास्कर और चंद्र नामक दो व्यक्तियों की मौत इसी बुखार से हुई है, मगर KFD से होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। उत्तर कन्नड़ जिले में इसकी रोकथाम के लिए करीब 9000 लोगों को इंजेक्शन दिए गए हैं। डॉक्टर्स की और लैब की कमी के चलते रिपोर्ट आने में हो रही देरी को देखते हुए जनता की सुरक्षा के लिए आरोग्य विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। बछड़े के गम में गाय की बगावत। सिर्फ इंसान ही जज्बाती नहीं होते, बल्कि जानवरों में भी जज्बात होते हैं। इस बात का सबूत देते हुए एक गाय ने अपने बछड़े के मौत पर सारे शहर को सर पर उठा लिया, जिसके चलते हुबली के हिरेपेट इलाके में मानो भूचाल सा आ गया। अपने बछड़े की जुदाई बर्दाश्त न करते हुए गाय बेकाबू हो गई, जिसके चलते धारवाड़ जिला कुड़गोल तालुका हिरेवाड़ ग्राम का व्यक्ति की जद में आकर बुरी तरह से घायल हो गया। महानगर पालिका के अधिकारियों ने बड़ी मशक्कत से बछड़े की लाश हटाई तो गाय न जाने कहां गुम हो गई। बेंगलुरु में गणराज उत्सव की तैयारियां जोरों पर। कल 26 जनवरी को मनाए जाने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए बेंगलुरु मानिकशॉ परेड मैदान में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। BBMP कमिश्नर मंजुनाथ DC विजय शंकर और पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार ने पथ संचलन का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के लिए 25 लाख रुपए का अनुदान रखा गया है। कल सुबह 9 बजे महामहिम राज्यपाल के हाथों ध्वजारोहण होगा। पुलिस बंदोबस्त पर कहा कि 12 DCP, 25 ACP, 80 इंस्पेक्टर, 150 सब इंस्पेक्टर, 215 ASI महिला ट्रैफिक पुलिस सहित कुल 1250 अधिकारियों को नियोजित किया गया है। परेड में आने वाले अपने साथ हथियार, फटाके, सिगरेट, कैमरा नहीं ला सकते, कहा कमिश्नर ने। रोडी शीटर्स के घरों पर छापा, DCP अन्नामलय की कार्रवाई। बेंगलुरु दक्षिण विभाग DCP अन्नामलय के नेतृत्व में सुब्रमण्यमपुर उप विभाग के 5 पुलिस थानों से संबंधित कुमार स्वामी लेआउट, सुब्रमण्यमपुर, कोन्नन कुंटे, तलघट्टापुर और पुट्टनहल्ली के इलाके में रोडी शीटर्स के घरों पर छापामारी करके घरों से हथियार सहित बिना दाखिले के कई वाहनों को जब्त किया गया है। इस मौके पर DCP ने रोडी शीटर्स को चेतावनी भी दी। पुलिस की इंसानियत को सलाम। जब तक दुनिया के इंसानों में इंसानियत बाकी रहेगी, इंसान की रक्षा होती रहेगी। ऐसी ही इंसानियत की मिसाल कायम की पुलिस के दो कांस्टेबलों ने। फिट्स के कारण बेंगलुरु मैजेस्टिक बस स्टैंड में जब एक 35 साल व्यक्ति बेहोश होकर तड़पने लगा तो पुलिस अधिकारियों ने मिनटों में एम्बुलेंस बुलवाकर उस व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाया। कहा जा रहा है कि व्यक्ति खतरे से बाहर है। राष्ट्रीय मतदार दिवस का आयोजन। भारत चुनाव आयोग, जिला प्रशासन और महानगर पालिका के सहयोग से शिमोगा शहर के डॉक्टर BR अंबेडकर भवन में राष्ट्रीय मतदार दिवस मनाया गया, जिसका उद्घाटन सेशंस जज प्रभावती हिरेमठ के हाथों हुआ। इस मौके पर युवा मतदाताओं को बिना किसी लालच के वोट डालने की शपथ दिलाई गई। जिला अधिकारी KA दयानंद सहित और भी सरकारी अधिकारी इस कार्यक्रम में शरीक रहे। कत्ल की साजिश रचने वाला गिरफ्तार। प्रशांत पुजारी के कत्ल में शामिल 29 साल इम्तियाज पर पिछले साल सितंबर 24 को कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें इम्तियाज बच गया था। इसी कत्ल की साजिश रचने वाले बजरंग दल मुखंड बुड़वाई ग्राम पंचायत अध्यक्ष सोमनाथ कोट्यान को मूड़ बिद्रे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
गिरने की कगार पर सरकारी स्कूल। चिकमंगलुरु जिला केडूर तालुका के बेट्टन हल्डी के सरकारी प्राइमरी स्कूल का छत आखिरी सांसें ले रहा है। कई जगह छत में दरारें पड़ गई हैं, अब या तब पता नहीं कब ये छत गिरने वाली है। विद्यार्थी अपनी जान हथेली में रखकर पढ़ाई कर रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को कई बार निवेदन करने पर भी किसी भी अधिकारी ने अब तक ध्यान नहीं दिया। अगर स्कूल की छत गिर कर कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदार होंगे अधिकारी। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।